प्रदेश के 50,000 से ज्यादा किसानों को कुआं और ट्यूबवेल पर लगने वाले सोलर पंप पर सब्सिडी मिलेगी। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री प्रबंध संस्था दुर्गापुरा में होने वाले समारोह में 500 किसानों को पीएम कुसुम सोलर पंप संयंत्र स्वीकृति पत्र वितरण करेंगे। जिलों में पंचायत समिति केंद्रों पर कृषकों को आमंत्रित करके वीसी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। कृषि और औद्योगिक विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गलारिया ने बताया है कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए सोलर पंप के लिए लगभग 50,000 किसानों को स्वीकृतियां प्रदान की जा रही है। इस पर 1,830 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जिसमें से 908 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में कृषकों को प्रदान कर लाभान्वित किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, आज कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर किसानों को सब्सिडी प्रदान करने वाले हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, आज जयपुर का जो राज्य कृषि प्रबंध संस्थान है वहां पर ये कार्यक्रम होने वाला है जी। कुसुम और सौर पंप संयंत्र को लेकर जो है ये स्वीकृति पत्र जो है वो दिए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उसके अलावा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कि कृषि मंत्री हैं, हीरालाल नागर जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, रामचरण बोहरा जयपुर सांसद हैं, ये लोग जो है वो वहां पर उपस्थित रहेंगे। देखिए, इसमें करीब करीब सौर ऊर्जा संयंत्रों से रिलेटेड ये पूरा मामला है। लगभग 200 मेगावाट बिजली का जो है इसमें उत्पादन होगा और करीब 908 करोड़ रुपए का जो अनुदान है वो देने की जो है वो बात है। देखिए, किसान जो है वो किस तरीके से इसकी सब्सिडी ले सकते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो मामला है। इसके अंदर किसानों को जो है पूरी सब्सिडी दी जाएगी। इसमें एससी एसटी के जो किसान है उनके लिए अलग से प्रावधान जो है वो किया गया है। 50,000 से अधिक कृषकों को जो है सोलर पंप के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। 500 किसान जो है उनको यहाँ पर इस कार्यक्रम में बुलाया है। बाकी जो किसान है, लाभान्वित जो किसान है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि करीब 50,000 किसानों को जो स्वीकृति पत्र जारी किए हैं उसमें करीब 1,850 रुपए जो है वो सब्सिडी के तौर पर जो है वो दी जा रही है। जो किसानों को जो सोलर से जो मिलती है बिजली उसको लेकर, और ये बड़ा एक काम, क्योंकि देखिए जो प्रधानमंत्री उन्होंने अपने जो जब भी जिस मंच से उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हम युवाओं के लिए, हम महिलाओं के लिए, हम किसानों के लिए, हम बेरोजगारों के लिए जो है वो काम करना चाहते हैं, गरीब के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो सीधे तौर पर किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है और आगे आने वाले चुनावों को लेकर भी जो किसान जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो किसानों को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति किस तरीके से सुदृढ़ की जा सके, उसको लेकर यह है। अगर सोलर पर वो जाएंगे तो उनको जो पारंपरिक बिजली है उसकी आवश्यकता कम होगी, वो खुद आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो ये उसी को लेकर जो है वो कार्यक्रम है। इसमें जो है वो स्वीकृति पत्र जो है वो आज मुख्यमंत्री जो है वो वितरित करने वाले हैं। जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।